अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आज आपसे सब फ्रेंड्स ने YouTube फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे डॉक्टर इब्राहिम से बात करूंगी वो है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स यानी कि हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अभी हमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और इसके लिए बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट कौन से हैं। तो आइए हम वीडियो को वॉच करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन आप खातिन की हेयर की बात करें, जी जी दोनों के लिए बता दें, दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जो जिन लोगों के हेयर निकलते हैं उन्हें इम्पॉर्टेंट ये है कि वो लोग स्ट्रेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस ना लें, स्लीप बैलेंस कर लें। स्लीप बैलेंस का मतलब है कि दिन को ना सोएं, रात को सोएं और स्लीप 7-8 आवर्स स्लीप ले लें, खासकर नाइट स्लीप, डे अवेकर नाइट स्लीपर, नॉट डे स्लीपर। थर्ड इम्पॉर्टेंट, डायट्री इम्बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो लोग, जिन लोगों की डाइट बैलेंस ना हो, डाइट बैलेंस का मतलब है कि जो लोग फ्रूट नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं और फजूल मैगी चिप्स मैक्रोनी इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उनकी डाइट डिसबैलेंस हो जाती है। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ डाइट को बैलेंस करना है। एंड फोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो लोग जो जिनकी वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, परेशानी ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और सोचते हैं, ये फोर फाइव इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। साथ में आप फ्रूट लें, सब्जी लें, इसके साथ आप टैबलेट परफेक्टिन लें या फिर ख्वातीन अगर हो तो 14 टैबलेट लें, 14 बाल्टी लें, प्योरली बाल्टी लें, वो बाल्टी लें, तो इसे काफ़ी हद तक हेयर बेहतर हो सकता है। जिंक सप्लीमेंट जिसे कहते हैं, जिंक सप्लीमेंट के साथ बायोटिन सप्लीमेंट जी। और एक इम्पॉर्टेंट है कि जिन ख्वातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरेगुलर है, हार्मोन्स प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, वो एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हेयर लॉस होता है। तो वो एक दफ़ा चेक कर ले कि कोई गायनेकोलॉजिकल इशू तो नहीं है, कोई ख्वातीन वाला इशू तो नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इशू तो नहीं है, अगर वो दोस्तों करेक्ट कर ले। ये 4-5 रीज़न है। डाइट बैलेंस, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रूट लें, सब्जी लें, टैबलेट 14 लें और या परफेक्ट।